नमः शिवाय, हर हर महादेव। गाइस, हम कब से सोच रहे थे और एक ही जगह पड़े पड़े बोर हो गए थे और बारिश का मौसम था, सो हमने सोचा कि कहाँ घुमा जाए। तो ऐसे में हमें याद आया रत्नागिरी, जिसे कोकण कहते हैं, और बारिश के मौसम में तो वाओ, वहाँ का नज़ारा एक नंबर रहता है। सो ऐसे में हम सबसे पहले गए रसाड़गढ़, और गाइस बारिश का मौसम था और वहाँ का जो व्यू था एक नंबर था। ये देखिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली, गाइस एक नंबर। इसके बाद हमें याद आई गणपति बाप्पा की, सो हम पहुँच गए गणपतिपुए, जो बीच के बाजू में ही है, समुंदर के बाजू में ही है। और वहाँ पे गए तो ऐसा हमें लगा कि गणपति बाप्पा का ब्लेसिंग मेरे सर के ऊपर है। आप देख सकते हैं, ये है मंदिर गणपतिपुए। जब गणपति बाप्पा का दर्शन लेते और बाद में हम आगे बढ़ते तो कनकाईट मंदिर आता है, और कनकाईट मंदिर मतलब 1000 साल पुराना मंदिर, जहाँ पे सूर्य देवता का वास है। ये आप देख रहे हैं मंदिर, और उसके जस्ट बाजू में है कसेरी बीच, जो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। गाइस बाद में हमें इच्छा हुई भोलेनाथ जी के दर्शन के, सो हम पहुँच गए लोटेश्वर मंदिर। लोटेश्वर मंदिर की खास बात है कि एक बड़े से पत्थर के ऊपर शिवलिंग है, शिव मंदिर है, और चारों बाजू में हरियाली है, और उसके बाजू में एक नदी बहती है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद अब भी हम पहुंच गए हैं संगमेश्वर। गाइस, जैसे हम अभी आए हुए हैं संगमेश्वर के आगे कस्बा गांव में, और वहां पे हमने देखा सतवाटी संभाजी महाराज की स्टैचू, और उससे थोड़ा सा आगे गए तो हम लोग ने देखा कि सरदेसाई वाड़ा, जहाँ पे तो सतवाटी संभाजी महाराज को वहाँ पे पकड़ा था, कैद किया गया था। और उससे थोड़ा सा आगे हम आते हैं तो हमें ये कर्णेश्वर मंदिर दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि जो गुजरात के राजा थे कर्ण, उन्होंने मंदिर बांधा है, और ईस्वी सन 1075-1095 में ये मंदिर बांधा गया था। सो अभी हम अंदर जाते हैं और मंदिर के बारे में जानते हैं। गाइस, जब हम यहाँ पर आए तो हमारी आँखें खुली की खुली रह गई, आश्चर्यचकित हो गए हम लोग, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर जो नक्शी काम किया गया है, इस मंदिर का बांध काम किया गया है, एक नंबर है। और हमें ये भी पता चला कि ये जो मंदिर है पांडवकालीन मंदिर है, 5 पांडव ने मिलकर ये मंदिर बांधा है, और इसका जो काम है वो बड़े काले पत्थर से बनाया गया है। गाइस, अभी हमने नोटिस किया कि ये मंदिर के ऊपर ऐसा बहुत सारी नक्शी काम किया गया है, जैसे गणपति बाप्पा की मूर्ति दिखाई दे रही है, ऐसे बहुत सारे है जो अभी मैं आपको 1 by 1 दिखाऊँगा। अभी ये आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में, अभी मैं आपको यहाँ का 1 by 1 जो शिल्पकार किया गया, नक्शी काम किया गया है, वो दिखाता हूँ। गाइस, अभी आप ये देख रहे हैं गौमुख शिवलिंग के ऊपर जो अभिषेक होता है, उधर का जो पानी है ये इस गौमुख के द्वारा बाहर निकलता है। सो आप सोच सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी लगाई होगी उस ज़माने में, 10वीं सदी में 11वीं सदी में। अभी आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के बाहर जो नक्शी काम किया गया है देवी देवताओं की, कितनी भव्य और सुंदर नक्शी काम है। आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में ये कैसे किया होगा, क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ किया होगा ऐसे नक्शी काम करने के लिए। आप देख सकते हैं, ये पहला द्वार जो उत्तर दिशा में है, और उसके दक्षिण दिशा में भी एक द्वार है, और पूर्व दिशा में भी द्वार है, मतलब टोटल इस मंदिर के 3 द्वार है। और आपको इस मंदिर के ऊपर जो घूमट दिखाई दे रहा है, ऐसे टोटल 5 घूमट है, और जैसे कोने हैं ऐसे टोटल 16 कोने हैं इस मंदिर के। और ये जो मंदिर का निचला हिस्सा है वो पांडवों ने बांधा था, और ऊपर का जो घूमट है वो घूमट एक्चुअली काले पत्थर से नहीं बांधा गया है, कुटी और ईंट से बांधा गया है। हर हर महादेव। ये देखिए, यहाँ पे हमारे भगवान भोलेनाथ जी के भी दर्शन हो गए। गाइस, जैसा कहा जाता है कि पांडवों के तो सट्टे भाई थे कर्ण, उनके स्मरणार्थ तो इस मंदिर का बांधकाम हुआ था, और इस मंदिर में शिवलिंग है, यानी कि हमारे ईश्वर है, इसलिए इस मंदिर को कर्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। गाइस, अभी यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया है
उसके चारों बाजू नक्शी काम किया गया है, जैसे कि यहाँ पे गणपति बापा का मूर्ति है और महिषासुर मर्दिनी है कि और नृसिंह कमलवेरी मल्लिका विष्णु के 10 अवतार और सुर सुंदरी और अनेक ऐसे देवी देवताएं हैं उनकी मूर्तियों का यहाँ पे नक्शी काम किया गया है, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। गाइस, जैसे हम मंदिर के अंदर आते हैं तो हमें भगवान शिव जी की पिंडी दिखाई दे रही है, सो हम जाते हैं और भोलेनाथ जी का दर्शन लेते हैं। गाइस, यहाँ पे आने के बाद और एक बात पता चली कि ये जो आपको दिखाई दे रही है सामने गोल राउंड, ये एक्चुअली यहाँ पे पांडव बैठे थे। ये जो उनकी थाली है उल्टी थाली, इसके पीछे भी एक रहस्य है। ऐसे टोटल इस मंदिर में 5 थाली है। गाइस, और एक कमाल की बात पता चली कि जब यहाँ पे सूर्योदय होता है तो सूर्य की पहली किरण इस शिवलिंग पे पड़ती है। कमाल है ना गाइस। सो बोलो हर हर महादेव। जैसे मंदिर के अंदर आते तो ये सुंदर सी नंदी की मूर्ति दिखाई देगी और इस नंदी के आजू बाजू में ये ऐसे पिल्लर है और हर पिल्लर के ऊपर ऐसी सुंदर सी देवी देवताओं की मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि ये यहाँ के आधार स्तंभ बने हुए हैं, यानी कि यहाँ के ये मूर्तियाँ रक्षा करती है देवी देवताएं। और आप ये देख सकते हैं घूमट के अंदर का नज़ारा, इसके अंदर भी ऐसा नक्शी काम किया गया है कि हम सच में सोच में पड़ जाए कि ये सब किया कैसे होगा। ये देखिए और देवी देवता की मूर्ति ऐसे इस मंदिर में कोने कोने में बनी हुई है। दोस्तों, जैसे हम भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन लेने जाते हैं तो उनके लेफ्ट साइड में ब्रह्मा देव जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो सोचो यहाँ पे हाँ किस किस देवता के दर्शन हमें होने के हैं। अभी ऐसा कहा जाता है कि ये जो नीचे है ये माता पार्वती जी का कलश है और इधर से ही हमें अंदर जाना है भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन लेने के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गाइस, जैसे हम ये मंदिर में आते हैं तो उसके सामने एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, तो अभी हम वहाँ पे जाते हैं और दर्शन लेते हैं। ये जो मंदिर है एक्चुअली ये सूर्य देवता जी का मंदिर है। यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज आते थे और दर्शन लेते थे सूर्य देवता जी का, और बाद में कन्नेश्वर मंदिर जाते थे, भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन लेते थे। उसके बाद वो जाते थे सदेसाई वारा, वहाँ पर आश्रय लेने के लिए। ये देखिए सूर्य देवता का मंदिर। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो ये टेंपल है, उसके जस्ट सामने है हमारे गणपति बापा का मंदिर। सो अभी हम इनका भी दर्शन ले लेते हैं। सो बोलिए गणपति बापा मौर्य।
गणपति बाप्पा मोरिया। गाइस, जैसे मैं गणपति बापा का दर्शन लेने आया था तो मुझे यहाँ पे विट्ठल रखुमाई जी का भी दर्शन हो गए, तो मुझे अभी अच्छा लगा यहाँ पे आके। सभी दर्शन लेते हैं और निकलते हैं वापस नेक्स्ट व्लॉग में। एक्चुअली ये जो व्लॉग है मेरा कोकण का व्लॉग है, मेरे लाइफ टाइम अभी मेमोरीज बनने वाली है। और यहाँ पे ऐसा मन हो रहा है ना दोस्तों कि वापस छुट्टी निकाल के आओ कोकण रत्नागिरी में और ऐसे बहुत सारे व्लॉग बनाओ, क्योंकि यहाँ पे जितना वीडियो बनाओ उतना कम ही है। हर एक एरिया में, हर एक कोने में ऐसा कोई ना कोई इतिहास हमें यहाँ पे मिलता है। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, गणपति बापा का दर्शन लेते हैं और देखते हैं आगे और कुछ स्पॉट मिलता है कि नहीं। सो गाइस, मिलेंगे अभी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइस, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।